आरटीआई कार्यकर्ता अमराराम पर हुए हमले में जिस नगराज को कथित रूप से हमले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा था, एसओजी ने कुछ दिन पहले ही नगराज को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया था। लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट ने एसओजी को कड़ी फटकार लगाते हुए उसी नगराज को महज 3 दिन में जमानत दे दी। गुरुवार देर शाम बाड़मेर जेल से नगराज की रिहाई हुई। इस दौरान डीसीएन लाइव से बातचीत में नगराज ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि उसे राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फंसाया गया था, जल्दी वो न्यायालय से बरी भी हो जाएंगे। नगराज ने अपनी जमानत को सच्चाई की जीत बताया। धूल मिट्टी और पसीने की दुर्गंध हमारे कपड़ों की चमक और महक दोनों छीन लेते हैं और करते हैं हमें शर्मिंदा, पर अब ना हो परेशान। घर लाएं अपने शहर बाड़मेर में निर्मित असरदार और खुशबूदार धीरज गोल्ड डिटर्जेंट पाउडर और साबुन, जो बनाए रखे आपके कपड़ों में नई जैसी चमक और ताज़ा खुशबू के साथ लंबी उम्र, वो भी कम दाम में। कहें बाय बाय महंगे और बाहरी प्रोडक्ट्स को और आज ही लाएं बाड़मेर में निर्मित धीरज गोल्ड डिटर्जेंट पाउडर और साबुन। अमराराम प्रकरण में जितने भी मेरे ऊपर आरोप लगाए थे वो सब राजनीतिक द्वेष भावना और गंदी राजनीति का मुझे शिकार बनाने के लिए, मेरी छवि को धूमिल करने के कुछ विरोधियों ने जो कुछ प्रयास किए थे वो उनके प्रयास कोई सफल नहीं हो पाए। माननीय उच्च न्यायालय ने मुझे एकदम फटकार लगाते हुए एसओजी को जमानत दी है कि इसमें मुझे बिना मतलब का झूठा फंसाया गया। शराब माफियाओं का आपसी कोई मामला था और उस मामले में उसने मुझे षड्यंत्रकारी घोषित करने के लिए अमराराम ने जो भी मेरा नाम लिखवाया वो सरासर झूठ था। रंजिश क्या है अमराराम की, तो कोई रंजिश से मेरे गांव के अंदर उसने शराब पकड़वाया बीएसटी टीम के साथ में आकर के, तो उसमें गांव का कोई भी मेरी जनता मेरे लिए सब सरोपरि है। मेरी जनता के हित के लिए मैं कोई भी बात करूंगा वो उसको नहीं पछती होगी, उसका काम है आरोप लगाना करना। जिस तरह की ये जो झूठी अफवाहें चलाई गई कीले ठोकने वाली, ये आप डॉक्टरों की माननीय चिकित्सकों की रिपोर्ट देखो, एसओजी की पूरी आप जांच रिपोर्ट देखो, सब झूठ बातें हैं। मेरी कोई 3-4 दिन पहले किसी व्यक्ति से कोई कॉल पे बात हुई, उस बिना मतलब के कॉल डिटेल झूठी कॉल डिटेल पे मुझे यहाँ पर गिरफ्तार करवाया गया और झूठी राजनीति का मुझे शिकार बनाया गया और आने वाले समय में आपको बरी होकर के वो भी आपको सबूत दूंगा। हाईकोर्ट ने कहा कि इस व्यक्ति को राजनीतिक द्वेष भावना से झूठा साबित किया गया उनको, मुकदमा करवाने वालों को, और मुझे बाइज्जत जमानत दी गई माननीय न्यायालय द्वारा। गौरतलब है कि कुछ महीने पहले आरटीआई कार्यकर्ता अमराराम पर जानलेवा हमला हो गया था, जिसके बाद देश भर में इस घटना को लेकर आक्रोश नजर आया था। अमराराम ने आरोपियों को पकड़ने की मांग को लेकर विधानसभा के आगे धरना दिया था, जिसके बाद मामले की जांच एसओजी को सौंप दी गई थी। कुछ दिन पहले ही एसओजी ने हमले के कथित मास्टरमाइंड नगराज को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था, जहां से नगराज को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया था। नगराज ने अपनी जमानत के लिए राजस्थान हाईकोर्ट की शरण ली थी, जहां से महज 3 दिन में ही नगराज को जमानत मिल गई।